जैसा कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन टू यू दैट वाई डू यू थिंक दैट वी हिंदी हिंदी में बोलिए जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तान से बात क्यों करनी चाहिए जब हम सॉवरेन हैं और अपने फैसले खुद ले सकते आप आराम से सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर 1947 से पहले जम्मू कश्मीर के तीन हिस्से हैं इस टाइम, एक चाइना के पास है और एक हिस्सा जो उस पार कहा जाता है हिंदुस्तान उसको पीओके कहता है, पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है, एक कश्मीर का हिस्सा उस पार दिया। सुन लीजिए, मैं कहता हूँ मेरे कश्मीर का एक हिस्सा है, मेरा एक कश्मीर का हिस्सा तो मेरी जान है, वो मेरा अंग है वो, ठीक है, आप भारत का हिस्सा है, वो मेरा कश्मीर है, मुझे क्या करना है, भारत का है, दूध यहाँ का पीते हैं, पाकिस्तान से बात इसलिए करनी है कि होम मिनिस्टर ने, सुनिए ना जनाब, आपके होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, होम आपके नहीं है क्या, आपके पाकिस्तान के है, आपके होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, अरे चलो पता भी है, भारत की सुनिए ना, तालियां मारने से इनका जोश बढ़ा सकते हैं, गोलियां मारो लोगों को, जो कश्मीरी पंडित मर रहा है वो वापस नहीं आ सकता, सुन लीजिए, हम इसलिए चाहते हैं, हर कश्मीरी इसलिए चाहता है पाकिस्तान से बात करना, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में जब गोली चलती है दो तरफ के कश्मीरी मरते हैं, जब इधर कश्मीर की गोली चलती है तो एजेंसियां, सरकारें, पुलिस कहती है कि पाकिस्तान की वजह से बंदा मरा, अगर पाकिस्तान ही सब कुछ कश्मीर में कर रहा है तो आप छोले खा रहे हो, फिर बात करनी पड़ेगी, तीन बातें बताना चाहता हूँ जल्दी से मैम। देखिए, जो आज जो कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर आज जो लाठीचार्ज हुआ, इससे पहले आंसू गैस फेंके गए, पहली बार हुआ कश्मीर के अंदर पिछले 32 साल में, क्योंकि कोई थे नहीं, प्रोटेस्ट किया उन्होंने और भारत के नाम पे, और यही हुआ था जब महबूबा मुफ्ती, आज वो आंसू बहा रही है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूं, तो एनआईटी में कुछ साल पहले लाठीचार्ज हुआ था, वहां पर तिरंगा यात्रा निकाली थी स्टूडेंट से, पहला लाठीचार्ज जब होम मिनिस्टर थी तब वहां पर हुआ था। दूसरी बात, आपके द्वारा प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करना चाहता हूं, मैं बार बार बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत इस देश को अगले 100 साल तक है, उनको हमें बरकरार रखना है, लेकिन अपील देनी है, आप भगवान बन सके, मैं 150 साल रहेंगे, अपनी उम्र की चिंता करो, 70 साल के पास पहुंचने वाले हैं बहुत सारे आतंकवादी, नरेंद्र मोदी को 130 करोड़ भारतीयों की दुआओं ने जिंदा रखा, मोदी जी 170 साल के हो जाएंगे, यार बोलने दो यार, तुम लोग नहीं कर रहे, मिस्टर भट्टी एक सेकंड सर, मैम ये इनको दूध पिलाते रहिए, प्लीज। दूसरी बात, प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, दूसरी बात जो बताना चाहूं, उसके बाद तीसरी भी बताऊंगा, ये जो लड़के लड़कियां जिनको जिनकी इनकी इकोनॉमिक कंडीशन का नाजायज फायदा उठाया मनमोहन सिंह ने, इनको नौकरियां दी वहां पे, जहां जिन घरों से जिन गांव से इनको निकाल दिया गया था, प्लीज इनको दोबारा जम्मू लेके आइए, ताकि जो थोड़े मोड़े चंद रुपए मिलते हैं इनको इज्जत और सेफ्टी के साथ कमाए, मैं नहीं चाहूंगा कि कल राहुल दूसरा राहुल। तीसरी बात मैम, प्रधानमंत्री से यह भी अपील, ये तब तक हिंदुओं का कत्लेआम चलता रहेगा, खाली कश्मीर में नहीं, आप बात कर रहे थे बाकी हिंदुस्तान में भी, आप प्लीज औपचारिक तौर पे घोषणा कर दीजिए, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो नरसंहार था, ट्राइब्यूनल बिठा दीजिए, जिन्होंने रेप मर्डर मास मर्डर किया उनकी उनकी ट्राइब्यूनल में तहकीकात का जवाब देने का मतलब है। तीसरी बात, जो जिंदा है या जो मुर्दा है, जो दिल्ली में थे या श्रीनगर में थे, जो मरने के बाद भी उनकी तहकीकात होनी चाहिए, और जब मैं वापस जाऊंगा कानून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में जाऊंगा, इस माहौल में नहीं जाऊंगा जहां पर ये जो 12 लोग थे उस दफ्तर में, क्या वो नहीं रोक सकते थे, किसी को बात नहीं कर सकते थे, मैम चुन के नाम पूछा मार दिया, और जो स्कूल के अंदर जब हुआ था प्रिंसिपल और वो जो दूसरा टीचर था, मैम वॉक करके जाते अंदर और जाके पूछे तुम हिंदू हो क्या हो, जो मुसलमानों को अलग कर दिया, हिंदू और सिख को मार दिया, और वो भागते नहीं, मैं जंगलों में नहीं रहते, वो आस पड़ोस में रहते हैं, आस पड़ोस से निकलता है, मार के फिर खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों ने बहुत तालियां बजाई, जो ऑडियंस है इन्होंने भी तालियां बजाई कि भाई जम्मू पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, मैं भी पक्षधर हूं, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी क्या सपोले थे क्या, एक बार ताली बजा, हमने उनका भी विरोध किया था, हमने उनका भी विरोध किया था, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप उत्तेजित ना, आप उत्तेजित तो राहुल गांधी दिल्ली चला जाता है, दूध भारत का पिएगा, गाय का इटली और पाकिस्तान की, अभी दिखाया था ना ये देखिए, पाकिस्तान के डोजियर पे बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, दोनों पर जवाब क्यों, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों पर पूछा कि क्यों गए थे, देखिए आडवाणी जी भी गए थे, तीनों गए थे, मैं बोलता हूँ आज तक 3 शासनाध्यक्ष हुए, अभी जब तक तीनों के तीनों पाकिस्तान में माथा टेकने गए, यहाँ पर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, पहले आप प्यार से समझाते, ना समझे तो लात मारते हैं और समझाते हो, क्या प्यार से समझाने गए थे वो शादी में।